एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक श्रीमती शानी देवी जी पिछले दिन ही अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच मिंटू जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, सरोज जुनेजा, चेयरमैन MKL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीना जुनेजा, अनु जुनेजा, एडवोकेट पंकज जुनेजा, अभिषेक जुनेजा, चेतन जुनेजा, एडवोकेट चिंकी, एडवोकेट किरण जुनेजा, गुंजन जुनेजा, पुलिका जुनेजा अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 जलंधर विखे करवाया गया। श्रीमती शानी देवी जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगढ़ अते सियाणे सन। आप जी दा जन्म लाला परसराम जी दे घर पाकिस्तान विखे होया। देश दी वंड तो बाद आप जी दा परिवार भारत आण वसिया अते आप जी ने अजे अपने 10वीं जमात दे पेपर दिते ही सन कि आप जी दा व्याह श्री कृष्ण लाल जी होना नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर 3 पुत्रां प्रेम जुनेजा, मिंटू जुनेजा अते राजकुमार जुनेजा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। जिथे आप जी ने अपने बच्चियां नूं चंगे संस्कार दिते उथे ही व्याह तों बाद नाल ही नाल आप जी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी अते व्याह उपरंत ही आप जी ने अपनी MA BEd तक दी एजुकेशन हासिल कीती अते गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कीती। आप जी ने अपनी सारी नौकरी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुकर पिंड विखे ही कीती ते इत्थे ही आप जी सेवा मुक्त हुए। श्रीमती शानी देवी जी बहुत ही मिठ बोले सुभा दे मालिक सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद करने वाले इंसान सन। आप जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। मौजूदा समय विच आप जी दे पढ़ाई बच्चे उच्च औहदियां ते विराजमान हन। आप जी दे इन्हां चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे पाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बेटे मिंटू जुनेजा जी अपनी माता जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां MKL जुनेजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहे हन अते नाल ही नाल कौंसलर भी हन अते समाज सेवा लई हमेशा ही तत्पर रहंदे हन। श्रीमती शानी देवी जी हुणा ने जिन्नी भी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती अपनियां अमिट यादां छड्डियां अते परमात्मा दे घर लई रुखसत होए।
भावों को आप सभी ने शब्द किया है उन्हें एक ऐसी सभा के अंदर बैठकर हम लोग ये भाव ये विचार या यूं कहें कुछ ऐसी प्रेरणा जो ये सभा स्वतः ही हमें प्रदान कर रही है। आप सभी भी सोच रहे होंगे शोक सभा के अंदर बैठकर कौन सी प्रेरणा हमें मिल रही है, हम कौन सी प्रेरणा पाने हेतु इस पंडाल के अंदर उपस्थित हुए हैं आए हैं। देखिए गुरु बहन ने आपको पहले भी बताया शोक सभा जिसे हमारे महापुरुष ने नाम दिया मनन सभा, जिसे हमारे महापुरुषों ने नाम दिया मंथन सभा। इंसान किसी को विदा करने के बाद जब वो एकांत में बैठता है और उसके बाद वो मनन करता है मंथन करता है क्योंकि आज हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं बैठे हुए हैं और स्वर्गीय श्रीमती शाली देवी जी जो इस संसार के अंदर नहीं रहे आप सभी की कितनी यादें होंगी उनके साथ कितने पल बिताए हैं आप सभी ने कितना प्रेम लिया होगा कितनी दुआएं दी होगी कितना आशीर्वाद लिया होगा लेकिन इस चीज को हम लोग अब महसूस कर रहे हैं और एक दुख हमारे सभी के मन के अंदर है कि पुनः हम चाह भी लेंगे हमारी इच्छा भी होगी कि हम उनसे कुछ वार्तालाप करें उनका प्रेम प्राप्त करें उनसे आशीर्वाद लें तो शायद ये पल हमारे जीवन के अंदर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन ऐसी अनेकों शोक सभाएं होंगी जो हम सभी ने अटेंड किया जिन शोक सभाओं के अंदर हम लोग गए हैं। आप भजन की पंक्तियां सुन रहे थे यदि ध्यान पूर्वक आप सभी ने सुना होगा तो पंक्तियां क्या कह रही थी बीती आई भजन नहीं केला अर्थात चाहे किसी की कितनी भी उम्र हो जाए इस संसार के अंदर जो भी इंसान आता है उसके साथ एक स्टैंप लगी होती है और वो क्या परमात्मा के भजन करने की स्टैंप ईश्वर की बंदगी करने की स्टैंप उनका चिंतन उनका ध्यान करने की स्टैंप। लेकिन जब जब इंसान उस ईश्वर से उस परमात्मा से दूर होता है उसके जीवन के अंदर ये जीवन और मृत्यु एक उत्सव के रूप के अंदर आता है और एक दुख के रूप में आता है। सर्वश्रेष्ठ आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक भी हैं संचालक और महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया आप ध्यान से सुनिएगा आशुतोष महाराज जी के चरणों में किसी ने प्रश्न रखा महाराज जी आप ही बताइए ये तो ये निश्चित है संसार का कि जो भी इस संसार के अंदर जन्म लेकर आता है उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है अर्थात ना चाहते हुए भी संसार को छोड़ना पड़ता है ना इच्छा भी नहीं है तो भी उसका त्याग करना पड़ता है। तो महाराज जी आप ही बताइए इंसान जन्म तो ईश्वर की इच्छा से लेता है लेकिन उसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए ध्यान से सुनिएगा। जिस समय महाराज जी से ये बात करी गई तो महाराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। महाराज जी कहते आप सभी ने सूर्य उदय होते देखा है लेकिन क्या आप सभी ने सूर्य अस्त भी देखा है। आप सभी ने देखा होगा जिस समय सूर्य उदय होता है तो सूर्य का रंग कैसा होता है लाल। एक ऐसी लालिमा होती है उसके मुख के ऊपर हम देखकर प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लगता है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा ये ध्यान देने योग्य है जिस समय सूर्य अस्त होता है सूर्यास्त होता है आपने सूर्य को जाते हुए देखा होगा तब वो कैसे जाता है भरपूर लालिमा के साथ उसके ऊपर कोई अंधकार नहीं होता
उसके ऊपर कोई अंधेरा नहीं होता, भरपूर लालिमा से ओतप्रोत होता है। महाराज जी ने कहा इसी प्रकार जैसे सूर्य उदय होता है और उदय होने के बाद जिस समय वो संध्या काल के अंदर सूर्यास्त होता है, ऐसे ही एक इंसान की मृत्यु भी होनी चाहिए। हैरानी होगी क्योंकि हमने जब भी संसार के अंदर लोगों को नन्हे शिशुओं के रूप के अंदर आते हुए देखा तो क्या देखा, उनके मुख के ऊपर अंतह नूर, उनकी लालिमा, जब भी उनको देखते हैं तो उनका जो फेस होता है, उनका जो मुख होता है बिल्कुल लाल होता है। लेकिन जिस समय एक इंसान इस संसार सागर से रुखसत होता है, जाने लगता है, तो ध्यान दिया होगा उसका मुख कैसा होता है, अपितु उसके फेस पे, उसके मुख के ऊपर कोई लालिमा नहीं होती है, उसके मुख के ऊपर नूर नहीं होता, तेज नहीं होता। जानते हैं क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसान आता ईश्वर की इच्छा से है और जाता ईश्वर की इच्छा से नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सूर्य के ऊपर लालिमा क्यों है? सूर्य ईश्वर की इच्छा में रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है। सूर्य उदय भी उनकी आज्ञा में होता है और अस्त भी उनकी आज्ञा में होता है, क्योंकि सूर्य एक आज्ञा में बंधा होता है, नियम में बंधा होता है। आप खुद देख लीजिए, यदि सूर्य थोड़ा सा भी हमारी ओर आ जाए, नजदीक आ जाए, तो हम सभी भूल जाएंगे क्योंकि उसका ताप हम सहन नहीं कर पाएंगे। और यदि सूर्य और ऊपर चला जाए, और दूरी पर चला जाए, तो उसकी रोशनी, उसकी तपिश हम सभी को नहीं मिल पाएगी। इसी प्रकार जिस समय इंसान ईश्वर की इच्छा से आता है और एक वायदा करके आता है, जानते हैं वो कौन सा वायदा है? कबीर महाराज जी अपनी वाणी के अंदर बहुत सुंदर लिखते हैं, कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत मंडल में आई कर, बिस्तर करो जगदीश। अर्थात हमारा वादा क्या था? हमने ईश्वर के चरणों में मां के गर्भ के अंदर उलटे लटक कर कौन सी प्रार्थना की? प्रभु जल्दी से संसार के अंदर भेज, ताकि जाकर तेरा ध्यान करे, जाकर तेरी बंदगी करे, तेरा ही नाम ले। लेकिन क्या हम लोग किया? क्या हमने उस ईश्वर का ध्यान किया? क्या हमने उनकी बंदगी की? नहीं की। और ना करने के कारण ये संसार का नियम है, प्रत्येक इंसान अपनी इच्छा का मालिक है और प्रत्येक इंसान अपनी इच्छा से ही संसार के अंदर काम करता है, किसी नियम के अंदर नहीं है, किसी मर्यादा के अंदर नहीं है। प्रत्येक इंसान संसार के अंदर अपनी इच्छा, अपने आप को लेकर चलता है, कभी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? अनेक छोटे से उदाहरण लेते हैं। एक बार आप लोगों ने अनेकों अनेक बार इस उदाहरण को सुना होगा, गोतमी नाम की एक नारी हुई है। कहते हैं कि जिस समय गौतमी का विवाह होता है, ससुराल घर के अंदर गई तो क्या हुआ, ससुराल घर के अंदर बहुत अच्छे से अपने जो भी उसे काम दिया गया वो कर रही है। और इतिहास के अंदर आता है गौतमी अभी थोड़े ही दिन सुख के काटती है, लेकिन गौतमी के पति की मृत्यु हो जाती है। गौतमी इस बात से बहुत ही दुखी रहती, क्योंकि ये बात किसी को भी स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी इस संसार से विदा ले, कोई संसार को छोड़कर जाए। गौतमी बहुत व्यथित रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन गौतमी के पास एक रिश्ता और था। वो रिश्ता क्या था? गौतमी के घर पर एक पुत्र था जिसे बहुत लाड़ करती, दुलार देती, बहुत प्रेम स्नेह देती और हमेशा एक चीज सोचा करती थी कि पुत्र के कारण मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी और जिस समय मेरी वृद्ध अवस्था आएगी तो मेरा पुत्र ही मेरी रक्षा करेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जानते हैं क्या हुआ? गौतमी जिस पुत्र के भरोसे, जिस पुत्र के कारण जीवन जीने की उम्मीद बांधे बैठी थी, कुछ समय के बाद उसका पुत्र भी संसार से चल बसा। छोटे से पुत्र को अपनी गोद में उठाई, पागलों की तरह बिलख रही है, रो रही है और जिस किसी के भी पास जाती है, गौतमी एक ही बात कहती है, क्या कोई मेरा पुत्र जीवित कर सकता है? देखिए, गौतमी ने अनेकों अनेक बार कहा, हर बार एक ही बात कही, मैं अपने पुत्र को जीवित करना चाहती हूँ, कोई आए और मेरे पुत्र को
लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला। उसे किसी ने बताया शाक्य वंश के अंदर पुत्र भी है और तुम उनके पास जाओ, मैंने सुना वो ऐसे चमत्कार करते हैं कि मृत लोगों को जीवन दान देने में सक्षम है। क्यों ना गौतमी, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकते हैं। जानते हैं क्या हुआ, गौतमी जैसे ही अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आए तो बुद्ध ने कहा, गौतमी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। जिस तुम्हारे पुत्र को कोई जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, उससे पहले तुम्हें एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। गौतमी ने कहा, क्या प्रभु, आप बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। गौतमी को भगवान बुद्ध ने कहा, गौतमी जाओ और उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, जिस घर के अंदर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी कोई ना मरा हो। गौतमी ने जैसे ही सुना, गौतमी बहुत खुश होती है और प्रसन्न मुद्रा से चलते और बुद्ध को कहने लगे, बुद्ध बस अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ और सरसों के दाने लेकर आती हूँ। जैसे ही गौतमी चले सरसों के दाने लेने के लिए, जानते हैं क्या हुआ, एक घर के ऊपर अलग जगाती है, उनका द्वार बजाया और जिस समय किसी माता ने, वृद्ध माता ने दरवाजा खोला तो वृद्ध माता से गौतमी ने सरसों के दाने की मांग की। माँ सरसों के दाने लेकर आई, लेकिन गौतमी ने साथ ही पूछ लिया, माँ सरसों के दाने देने से पहले आप यह बताइए, माँ इस घर के अंदर किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना। जैसे ही वृद्ध माँ ने इस बात को सुना, वृद्ध माँ जोर जोर से रोने लग गई। उसी समय रोती हुई गौतमी को कहने लगी, गौतमी अरे मैंने तो अपना पूरा परिवार ही खो दिया है, मेरे घर पे ऐसा कोई नहीं है, मैंने लाखों अनेकों लोगों को जाते हुए इस घर से देखा है। इसलिए गौतमी यदि तुम्हें ऐसे सरसों के दाने चाहिए तो किसी और के पास जाओ। गौतमी अनेकों अनेक घरों के अंदर जाती है और अनेकों अनेक घरों के अंदर एक ही स्वर सुनाई देता है। जानती है कौन सा स्वर, मृत्यु का स्वर, मरने का स्वर। अर्थात गौतमी जिस समय अनेकों लोगों से इस बात को सुनती है, गौतमी पुनः बुद्ध के पास आई और गौतमी ने कहा, बुद्ध मैं समझ गई, जीवन देना और जीवन लेना तो परमात्मा के हाथ के अंदर है, मुझे नहीं चाहिए मेरे पुत्र का जीवन, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मिट्टी का बर्तन था, जितना समय इसका उसका संसार के अंदर था वो जिया और उसके बाद वो चला गया। अर्थात ये संसार आने जाने का नाम ही संसार है, ये जीवन मिला ही हमें मृत्यु को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन ये हमारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है कि हम लोग ये सोच बैठते हैं कि कोई संसार को छोड़ कर ना जाए। ग्रंथों में बार बार एक ही बात कही गई, हमारे महापुरुषों ने बहुत सुंदर बात की, उन्होंने कहा, आया था सैर करके तो यहाँ, सैर करके लौट जाना युद्ध तुझको फिर वहाँ, सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। ये परदेश है, ये हमारे लिए एक सराय है, एक धर्मशाला है, ये धर्मशाला हमें हमेशा के लिए नहीं मिली, ये संसार मिटने वाला है, ये अटूट नहीं, ये टूटने वाला है। लेकिन यदि ये टूटने वाला है, यदि ये जीवड़ा बार बार हमारा साथ छोड़कर जाएगा, ये जीव आत्मा इस शरीर का साथ छोड़ देंगे, तो किस लिए हमें संसार के अंदर आने का मौका मिला। हम सभी माताएं बहने, भाई बंधु, स्वर्गीय श्रीमती शारी देवी जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। बड़े दुख की बात है, बड़ा शोक का विषय है कि वो आज हम सबको छोड़कर भगवान के चरणों में लीन हो चुकी है। कहते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चय है और जिसकी मृत्यु भी निश्चय है उसका संसार में जन्म लेना भी भगवान ने निश्चय बताया। क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही इस संसार में आता है और कर्मों के अनुसार ही इस संसार से चला जाता है।
और मनुष्य अपनी मृत्यु को जीतने के लिए बहुत से उपाय भी किया करता है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, इन तीनों युगों के अंदर मनुष्य अपनी मृत्यु को जीतने के लिए बहुत से उपाय किया करता था। वनों में जाकर लाखों सालों तक तपस्या किया करता था, जप किया करता था, परंतु तब भी उनको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही था, क्योंकि यह भगवान का बनाया हुआ काल चक्र है जो केवल एक भगवान के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु ही निश्चय है, और जिसकी मृत्यु निश्चय है उसका जन्म लेना भी निश्चय ही बताया गया है। आज स्वर्गीय श्रीमती ईशानी देवी जी अपनी अंतिम यात्रा को पूरी करके भगवान के चरणों में लीन हो चुकी है। कहते हैं कि जो एक माँ का प्यार होता है वो सबसे अलग होता है, उसकी गिनती कभी कोई कर ही नहीं सकता। जो एक माँ होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। बचपन से लेकर जवानी तक चाहे उसकी संतान कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, कभी उनको ये नहीं लगता कि मेरी संतान बड़ी हो चुकी है। हमेशा वही बचपन की तरह अपने उन बच्चों से लाड़ प्यार करती रहती है। कहते हैं कि चाहे हम कितने भी तीर्थ कर लें, कितनी भी यात्राएं कर लें, कितने भी दान पुण्य कर लें, जब तक हमारे घर में हमारे माता पिता दुखी हैं, ना ही उन तीर्थ और यात्राएं करने से हमें कोई लाभ प्राप्त होगा। चाहे हम कितने भी तीर्थ कर लें, कितनी भी यात्राएं कर लें, कितने भी दान पुण्य के कार्य कर लें, जब तक हमारे घर में हमारे माताएं माता पिता दोनों जब दुखी हैं, वो उस तीर्थ करने से, उस यात्रा करने से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो सारे तीर्थ हैं केवल वो अपने मां बाप के चरणों में है, कि मनुष्य को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मां बाप की तन मन से सेवा कर ले तो उसको सभी तीर्थ प्राप्त हो जाएंगे। परंतु इस कलयुग में उसका प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि केवल माता पिता नाम के रह चुके हैं। जिस मां ने 9 महीने तक गर्भ में उस बच्चे को रखा, तन मन से उसकी सेवा, कभी उसको कभी गर्भ में भी आंच नहीं आने दिया, और जब वो जवान होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो केवल उसे वो धन की मोह माया उसे जकड़ लेती है, वो सभी दीन दुनियों को भूल जाता है। वो धन की लालच उसे ऐसा जकड़ लेते हैं कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। और कहते हैं कि धन तो केवल घर तक ही साथ देता है, रिश्तेदार नातेदार वाले शमशान तक ही काम आते हैं। जो केवल काम आता है वो आपका कर्म काम आता है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। मनुष्य उस धन की लालच में ऐसा उलझता चला जाता है, ना उसे कोई रिश्तेदार वाले ना ही कोई परिवार वाले कुछ भी दिखलाई नहीं। गीता माता भगवान के सामने से श्रीमती शांति देवी जी स्वर्गीय किशोरा दिनेजा जी के वाइफ और कौंसलर मुकुंद दिनेजा जी के मम्मी जी, जो
जिनकी शोक सभा में साझा हुए इकट्ठे हुए हैं और कुछ मैं थोड़ी गलत करना चाहती हूँ कि माता की जिंदगी जो है इधर बड़ी बड़ी उनकी हिस्ट्री है कि उस माँ ने कितना संघर्ष किया इस परिवार को इस बच्चे को खड़े करने लिए एजुकेशन देने लिए जिनको माता की मेहनत हुई माता दसवीं क्लास पढ़ती थी उनको बड़ी बड़ी सोच सी जुनेजा परिवार की कि दसवीं के बाद माता जी को पढ़ने भेजा गया उस टाइम से कुछ पढ़ाया पढ़ाया नहीं आता पर कितनी बड़ी गल सी माता जी ने बी ए की एम ए की और बोर्ड मैरिस्ट हो गए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बी एड की थी पर घर वे नौ सी नौकरी नहीं की फिर माता ने नौकरी की बी एड एज ए टीचर जलंधर के एक नवा फोन आया मिट्टू के फादर साहब महसूस का जनेजा की डैथ हो गई और माता की होश वर्ष में लाइफ शुरू हो माता ने बड़ी हिम्मत करके सारे बच्चों बहुत उचेरी शिक्षा दी बड़ा एजुकेशन दी बच्चे पढ़ाया अब समाज के एक बड़ा बड़ा स्तर है जनेजा परिवार संतोष चौधरी जी चेयरमैन परिषद पंजाब जलिंदर बिट्टू जी सरदार भगत सिंह जी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके ब्रदर पवार साहब आए हैं ना फैमिली आई है कमलजीत ओरी साहब कौंसलर प्रदर भगत जी कौंसलर मिट्टू मिट्टू गुजर जी दखोत्रा साहब अमृता जी एक्सपोर्टर साहब तो जिन्हें भी तमाम लोग पहुंचे किस थोड़ी लंबी है तो टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया कमल जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके बहुत सचे ढंग माता ने दसिया कि माता जी की होंगे क्योंकि माता का रिश्ता जरा वो किसी व्यक्ति दाखिल और ऐसा क्यों होंगे वो बारे में दसिया कि माता पहला भी नौ महीने का टुक चला के तनखा छोड़ तनखा की जरूरत हो जाती है इसलिए ही माता का रिश्ता जरा सब तो बड़ा रिश्ता होने लगता है मैं जिदा कि दिल्ली सिंह कोठी जी ने माता के जीवन बारे दसिया इस तरह के उस टाइम के जो उस टाइम पढ़ाई लिखा जी करना जो माता से गए थे यही काम करके अब वो मिट्टू जनेजा जी फादर थे 25-30 साल हो गया तो मैं उस तो बाद उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी ना लेके कुरान को पढ़े लिखे थे समझदार थे उस समझदार के नाल एक माली अगर स्कोर बहुत वधिया माली है तो वो अपनी परिवार की जी है वो जो बहुत वधिया काम करी जो समझ आ जाती है माली मेरा कौन हो गया अगर का परिवार जरा मैं मिट्टू जनेजा जी का घर वास्ता आ गया जहाँ जी प्रोफेसर से दर्द हो गया ये सारे परिवार जो मिट्टू जनेजा जी आदि फंक्शन है पर कौंसलर जो पहला भी जो है ये लोगों में बहुत ही समाज की लोग इज्जत रहे हैं अब जरा एक कट है ये भी दसदा है कि इन लोगों का जनेजा परिवार का लोगों के बच्चे का प्रेम प्यार है मैं क्योंकि माता जी ने जी माता जी और जो जनेजा जी की परिवार है उस परिवार के पहला उन्होंने गृह लिया के बाकी एरिए बाकी सारे अपना गंध के बच्चे पूरा अपना नाम कमाया है बहुत ही सुचा परिवार है क्योंकि होर भी बुलाए बहुत आए उनके दौरान को ये सब कुछ खेलने की सच्ची बात करें
बहुत ही अच्छी फुलवारी बेटी जी ने कहा
समाज में एक मित्र स्थान बनाया है। सो मैं इन्हें शब्दों के साथ उन्होंने चरण में श्रद्धा से प्रकट किया है। परमात्मा की अरदास करता है कि उन्होंने अपने चरणों में दबा से परमात्म शक्ति जो है कि जिन्हें वो कैर पा गए जिन संस्कार को दे गए उन्होंने अगे कैरी करते हुए जिंदगी चके बदल और माता जी का नाम रोशन कर। ओम शांति शांति अंत विच परिवारिक मेंबरां वालों आईयां होईयां प्रमुख शख्सियतां दा आईयां होईयां समूह संगतां दा तहे दिल तों धन्नवाद कीता गया। जय श्री राम। मैं मिंटू जनेजा पार्षद वार्ड नंबर 24 तों अज बड़े दुखी हर दे नाल दस रहे कि साडी माता श्री शाणी देवी जो पहले नराते सवेरे तड़के 5 बजे माता दे चरणां दे कोल जा विराजे साड़ी माता श्री शाणी देवी जी जिहड़े कि एक रिटायर्ड टीचर सी जिन्हां ने सारी उम्र धार्मिक कामां दे विच लोक सेवा दे विच लाया। साढ़े फादर हाले कि साढ़े फादर स्वर्गीय श्री कृष्णा जुनेजा जी सानू 30 साल पहले विछोड़ा दे गए सी। असीं उस टाइम पढ़ते सी मेरा छोटा ब्रदर 5th से पढ़ता सी। उन्हां ने सानू एक बाप का भी रोल अदा किया एक माँ का भी और ऐसी माँ शायद ही कितने दुनिया चो लभनी कि जेडे हर वेले हर सैकंड मेरी साह से मेरा पल से उन्हां दीआं दित्तीआं दुआवां करके ही मैं इस वारी अरबा स्टेट फेस 1 तो कौंसलर बनया। उन्हां दे क्योंकि आप एक टीचर सी उन्होंने सानू भी पढ़ाया लिखाया। असी एक इस टाइम अपने फादर की मेमोरियल एम के एल जुनेजा सीनियर सैकेंडरी स्कूल दीपनगर चला रहे हैं जिदे काफ़ी हद तक असी लोग बच्चों की गरीब बच्चों की हेल्प भी करते हैं। ये एक माता दियाँ दित्तियां हुई पूरने ने कि असी वो पूरे कर रहे हैं पर माँ की कमी तो जिंदगी विच कभी शायद ही पूरी नहीं होनी क्योंकि वो माँ हर पल हर सांह क्योंकि एक शायर ने भी लिखा है कि तुर जामन ते मामा लभदियां ने। अज इस दुख की घड़ी विच कई राजनीतिक शख्सियतां धार्मिक शख्सियतां स्पैशल तौर पर मेरे साडा पुराना पिंड गढ़ा उतों और मेरे वार्ड के काफ़ी लोग रामा मंदिर गढ़े क्योंकि उन्होंने रामा मंदिर गढ़े ना बड़ा लगाव सी। अज असी गीता मंदिर के प्रांगण में खड़े हाँ लास्ट टाइम तक भी माता पैदल ही मंदिर गुरुद्वारे जाते रहे। अज जो राजनीतिक या जिन्हें भी धार्मिक संस्थाव आई हैं ने साढ़े वालों इस दुख की घड़ी चा के जुनेजा परिवार के नाल खड़े हुए ने असी सारे का अपना अपने वालों अपने परिवार वालों सारे का धन्यवाद।